बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जी। तो आप सबको एक बार फिर ईद मिलाद नबी की बहुत ज्यादा मुबारक हो। 12 रबीउल अव्वल आज है, तो कल तो मैं आउटसाइड गई थी, तो इसलिए फिर मैंने वीडियो बनाई थी आपके साथ शेयर की। तो आई होप कि आपको पसंद आई होगी। और ये देखें जी, आज मैं घर में अपने घर में काम कर रही हूँ, किचन में हूँ, और ये देखें बहुत ही मजे की मैंने ये कटलेट्स बनाए हैं। ये आलूओं के, इसमें चिकन भी ऐड किया, टमाटर, सब्ज धनिया, सब्ज मिर्च, पुदीना या प्याज, यानी कि इस तरह मैंने बहुत ही अच्छे से बनाया है इसे। तो आप भी मेरे साथ रहिए और देखें कि आपको ये कैसी लगी है। अब मैं इसको शैलो फ्राई करूंगी और डीप फ्राई नहीं करते। एग भी रेडी हो चुका है और मैं पुलाव बना रही हूँ, वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये देखें जी, बहुत ही मज़े का। और ये देखें, मैंने पानी ऐड कर दिया है पुलाव में, तो चिकन पुलाव आज बन रहा है। और इधर मैंने फ्राई पैन रखा है, इसमें ऑयल मैंने ऐड कर दिया है, और इसमें हम जी ये आलू के कटलेट्स बनाएंगे। और ये एग मैंने फेंट के रख लिए हैं बहुत ही अच्छे से, ताकि जब हम टिक्कियाँ बनाएं तो इसके लम्स वगैरह ना बने। और ये मैंने चावल भगो के रख दिए हैं, चावल भी काफ़ी टाइम हो चुका है, 15 से 20 मिनट हो गए हैं और लंबे हो रहे हैं, और इनके अंदर तक पानी जा रहा है। तो जब हम इनको फ्राएंगे तो ये बहुत ही अच्छे लगेंगे, और लंबाई में इनकी हाइट जो है ये बढ़ जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि पानी हमारा पक रहा है, पकने लगा है, तो उसके बाद मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी। तो आज मैं ये काम कर रही हूँ, बहुत ही खुशी का त्यौहार है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन है। तो दुरूद पाक का ज्यादा से ज्यादा हम सब विर्द करें, नमाजें पढ़ते हैं और ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें, तो इस तरह घर में भी और खानों में भी बहुत ज्यादा बरकत होती है। अल्लाह ताला हमें इसी तरह हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए, और हम दुरूद पाक का विर्द करते रहें। जितना हम दुरूद पाक पढ़ते हैं उतना ही हमें भी सवाब मिलता है, और हमारा दुरूद पाक हमारे प्यारे नबी तक पहुंचाया जाता है, खुद ब खुद ही पहुंच जाता है। तो आप भी इसलिए ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक का विर्द करें, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। दुरूद शरीफ पढ़ने से हमारे अंदर तक हमारी रूह जो है ये इतनी ठीक होती है और सुकून मिलता है हमारी रूह को। तो आप भी इसी तरह करें, और जब भी खाना बनाएं तो आप दुरूद पाक का विर्द किया करें, तो इंशाल्लाह ताला आपके खानों में बहुत ज्यादा अल्लाह ताला बरकत डालेगा और बहुत ही अच्छा जायका होगा। मैं तो इसी तरह करती हूँ, अल्लाह ताला मुझे और ज्यादा तौफीक दे के मैं दुरूद पाक का विर्द करती रहूं, और करती हूँ हमेशा, हम करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो मैं आज ये खाने बना रही हूँ, तो एक मैंने और बात बतानी है कि रायता मैंने बना लिया है, और वो भी बहुत ही मैंने डिफरेंट बनाया है, बहुत ही मजे का बना है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, रायता भी हमारा रेडी हो चुका है। इसमें मैंने टमाटर, खीरा, आलू बॉयल करके, और ये देखिए सब्ज मिर्चें, एक चटनी बनी हुई थी धनिए की, पुदीने की, वो ऐड कर दी है। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी टेस्टी बना है। अब हम खाएंगे, स्टार्ट करेंगे, पहले हमारा खाना रेडी हो जाए। तो अब पानी पकने लग गया है, उसमें मैं चावल ऐड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, अब हम इसमें राइस ऐड कर रहे हैं, पानी हमारा पकने लग गया था, तो ये देखें जी राइस ऐड कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला बरकत डाले हमारे खानों में, और हम ये खाएं और अपने इर्द गिर्द जो हमारे पड़ोसी हैं उन तक भी पहुंचाएं, ताकि हमारे खानों में बरकत रहे, और उनका भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ये देखें जी, माशाल्लाह से ये मैं चिकन पुलाव बना रही हूँ, और बाकी के जो राइस हैं वो भी मैं ऐड कर देती हूँ आराम आराम से, ताकि पानी भी ना बाहर आए और कोई छींटे भी ना पड़े जी। तो राइस मैंने शामिल कर दिए हैं, और अब मैं इसको कवर करने लगी हूँ। ये देखें जी, अब मैंने कवर कर दिया है। इधर फ्राई पैन है, इसमें हम अब
कटलेट्स डालते हैं। ये देखें जी आलू की टिक्कियां और ये हमने फ्राई पैन में डाल दी हैं आलू के कटलेट्स, इसलिए फिर अब हम इसे पकने देते हैं, उसके बाद इन्हें पलट देंगे तो ये लाइट ब्राउन होंगे तो हम निकाल लेंगे। तो ये है जी आज का हमारा लंच और हम खाते हैं और इसको हम थोड़ा सा इर्द गिर्द जो हमारे पड़ोसी हैं उन तक पहुंचाएंगे क्योंकि आज भरा रबीउल अव्वल है। आपने भी मेरे साथ शेयर करना है कि आपने आज क्या बनाया है और क्या खाने में था। ये देखें जी आज हमारे घर पुलाव बन रहा है, तो अल्लाह ताला आपको भी अपनी जगह पे महफूज रखे। जितने भी रोड पे आने जाने वाले मुसाफिर हैं अल्लाह ताला उनको भी खैर आफिया से उनकी मंजिल तक पहुंचाए और अपने अपने घरों में सब आबाद रहें। तो ये देखें जी हमारी टिक्कियां बन रही हैं। तो मुझे बहुत सारी दुआओं में और मेरी फैमिली को याद रखें, मैं भी आप सबको बहुत ज़्यादा याद रखती हूँ। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को भी महफूज रखे और कामयाबियाँ दे। आमीन सुम्मा आमीन। और दुरूद पाक का आप लोग विर्द करते रहें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी हर मुराद पूरी करेगा। ठीक है जी, मुझे दे इजाज़त। व्लॉग्स विद राजताई को हमेशा याद रखें, इंशाअल्लाह ताला आपसे इसी तरह वीडियो के जरिए मुलाकात होती रहेगी। तो अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का। अल्लाह हाफिज़।